ए माँ, तू उस रास्ते से मत जा। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ए बहन, तू उस रास्ते से मत जा, उस रास्ते पर खतरा है। बेटी, उस रास्ते से ना जा, उस रास्ते पर खतरा है। सुनो, उस रास्ते पर मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पण और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ द पेन पॉइंटर्स के एक और नए वीडियो में। और आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैंने ये चार लाइनें क्यों बोली, वो भी सिर्फ माँ, बहन, बेटी, इनको डेडिकेट करके। आपने अब तक कैप्शन पढ़ के तो पता लगा ही लिया होगा कि किस बारे में है ये वीडियो। हम अक्सर यही सारी बातें माँ, बहन, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर किसी भी एक लड़की दोस्त को हम ये जरूर बोलते हैं कि संभल के जा। पर सही में वो अगर संभल कर जाती तो आज क्या हर किसी का रेप होता? क्या किसी माइनर का रेप होता? हम जो ये हमेशा का एक मोर्चा निकालते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, क्या सही में हमारा देश वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है? या फिर जो सबसे अच्छा मोर्चा, मतलब सबसे फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सही में बेटी बच रही है? और अगर बेटी पढ़ भी रही है तो उसका क्या फायदा हो रहा है? एक रेप अगर पढ़ाना ही है तो उन जाहिल हवस वाले लड़कों को पढ़ाओ जिनकी हवस की वजह से एक लड़की का रेप होता है। ऐसी ही एक घटना मुंबई शहर में घटी। एक 16 साल की लड़की, सिर्फ 16 वर्षीय एक लड़की का रेप होता है, वो भी माइनर, एक माइनर रेप केस, वो भी रेप कौन करता है? 18 से 23 साल की उम्र के लड़के जो खुद अभी मैच्योर होने की उम्र में है, अभी तक पूरे मैच्योर हुए भी नहीं है, और वो चले रेप करने। ये घटना 31 मई को घटी थी। ये घटना एक लड़की और कुछ लड़कों के साथ हुआ था। लड़कों के साथ बोलने भी शर्म आ रही है, क्या करें। सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं चलता, सेक्स के नाम से लोग भागते हैं। सिर्फ इसी रीज़न से ही एक लड़का एक लड़की का रेप करता है। 31 मई की रात को ये लड़की अपने एक दोस्त के घर गई जिसका जन्मदिन था। वह जब रास्ते में जा रही थी तो चार लड़कों ने उसको एक गाड़ी में धकेला, रेप किया और वहीं पे उसको छोड़ के वो चारों भाग गए। उसके बाद वो अपने एक दूसरे लड़के दोस्त से मिलने गई ताकि वो पूरी इसके बारे में जांच पड़ताल कर सके, परंतु उस लड़के ने भी उसका अलेगली रेप किया, मतलब पाँच पाँच लड़कों ने मिलकर। फिर उस लड़की के माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई, FIR लिखाया किडनैपिंग एंड मिसिंग का। 1 जून को पुलिस का दावा है कि वो अपने घर आ गई और घर आने के बाद अपनी माँ को जब सारी बातें उन्होंने खुल के बताई तो उन पांचों लड़कों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के साथ साथ उस लड़की के ऊपर फॉरेंसिक टेस्ट भी होने लग गए। मतलब हमारा देश अब देश नहीं रहा, मैं ये पूरे जोर के साथ कह सकता हूँ। अगर हर कोई यहाँ पे मोर्चा लेके निकलता है वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर एक कोई कैंडल लेके निकल जाता है कि जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर दिस, तो सही में क्या जस्टिस मिलता है? अगर आप भी इन सवालों के साथ एग्री करते हैं, मेरे इन सवालों के साथ अगर एग्री करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मुझे पता है बहुत हेट भी आएगा इस वीडियो पर क्या करें, देश की जो सच्चाई है वो मैं सामने ला रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आप सभी से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग सेफ रहे, घर पे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।